This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। कर्नाटक चुनाव। रेड्डी भाइयों ने ऐसे हाईजैक की सिद्धारमैया वर्सेस येदियुरप्पा की लड़ाई। साल 2010 में कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सेशन के दौरान तत्कालीन विपक्ष नेता सिद्धारमैया ने कथित खनन माफिया और आपराधिक गतिविधियों को लेकर रेड्डी बंधुओं पर हमला बोला था। इस पर तत्कालीन मंत्री गली जनार्दन रेड्डी समेत रेड्डी बंधुओं ने कड़ा ऐतराज जताया था। रेड्डी बंधुओं ने सिद्धारमैया को खुली चुनौती भी दी थी कि अगर उनमें दम है तो उनके गढ़ बेल्लारी का दौरा करके दिखाएं। यही नहीं, सिद्धारमैया को यह भी धमकी दी गई थी कि अगर वो बेल्लारी गए तो उनकी जान को खतरा है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सिद्धारमैया ने रेड्डी बंधुओं से कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेल्लारी में 350 किलोमीटर की लंबी यात्रा करेंगे ताकि रेड्डी बंधुओं को सबक सिखा सके। इसके बाद सिद्धारमैया ने अगस्त में बेल्लारी के लिए पद यात्रा शुरू की और कांग्रेस की एक बड़ी रैली संबोधित किया जिसमें उन्होंने रेड्डी बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। इस रैली को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। चीजें सिद्धारमैया के पक्ष में गईं और रेड्डी बंधुओं का साम्राज्य डगमगाने लगा। अंडर ट्रायल रहते हुए जेल में करीब 4 साल बिताने के बाद आखिरकार जनार्दन रेड्डी बाहर आए, लेकिन बीजेपी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद सिद्धारमैया ने एक अन्य खनन मामले में जनार्दन को फिर से जेल भेज दिया। कुछ महीनों बाद जनार्दन जेल से बाहर आए और अपने समर्थकों के बीच ऐलान किया कि अब कर्नाटक की लड़ाई सिद्धारमैया बनाम जनार्दन के बीच निजी लड़ाई हो गई है। वो अगले चुनाव में सिद्धारमैया को जरूर सबक सिखाएंगे। एक अमित शाह के प्रेस मीट के हफ्ते बाद रेड्डी ने 7 सहयोगी बीजेपी का टिकट हासिल करने में सफल रहे। राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राज्य की सत्ता में बीजेपी की वापसी इतनी आसान नहीं है। इसका एहसास होने के बाद पार्टी हाईकमान अब फिर से रेड्डी बंधुओं के साथ चाहती है ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। 7 सीटों पर टिकट मिलने के बाद रेड्डी बंधुओं का मनोबल बढ़ गया है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग और रायचूर जिलों में उनकी अच्छी पकड़ है। बेल्लारी के सांसद बी श्रारमुलु अनुसूचित जात जनजाति के लोकप्रिय नेता है। मीडिया में चल रही तमाम नकारात्मक खबरों के इतर बीजेपी ने चुनावी रणनीति और वक्त की नजाकत को देखते हुए रेड्डी बंधुओं को पार्टी में दोबारा शामिल किया है। साल 2008 में रेड्डी भाइयों ने अपने पैसे और शक्ति के दम पर दक्षिणी राज्य में बीजेपी को जीत का स्वाद चखाया था, लेकिन इसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती गई। तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े ने उन्हें खनन घोटाले का दोषी ठहराया था। साल 2014 तक बीएसआर कांग्रेस और येदियुरप्पा की केजीपी पार्टी ने बीजेपी को राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें जीतने में मदद की, लेकिन बीजेपी ने कुख्यात हो चुके रेड्डी भाइयों को अपने पाले से बाहर रखा। हालांकि जेल से बाहर निकलने के बाद जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस ने भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए रेड्डी भाइयों के आपराधिक मामलों को खत्म कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में पहले हल्ला मचाने वाले जेडीएस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर रेड्डी बंधु जीतते हैं तो सिद्धारमैया के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। अगर सिद्धारमैया अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब रहते हैं तो बेशक रेड्डी बंधुओं के आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे।